हमारे साथ में विश्वास नगर विधानसभा के विधायक जी हैं। सर ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आज आप सड़क पर उतरे हैं जनता के लिए? देखिए, दिल्ली के स्वयंभू अनार्किस्ट केजरीवाल जी भारत के संविधान और जनतंत्र में भरोसा नहीं रखते जी। ये जो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली के तीनों मेयर और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पे खड़ा होकर जो केजरीवाल जी से ये कह रहा है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 13,000 करोड़ रुपए जो लेजिटिमेट रूप से उनके हैं, उनको देने के लिए आज हम डिमांड कर रहे हैं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जब तीन टुकड़े हुए तो उनके वित्त पोषण के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई। वित्त आयोग दिल्ली की सरकार जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का किस किस का क्या क्या हिस्सा बनता है इसका एक इंडिपेंडेंट आंकलन करता है जी। उस आंकलन के अनुसार हमें 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी से लेना है। दिल्ली की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली की सड़कें हों, चाहे केजरीवाल जी का घर हो, चाहे हर विधानसभा में इस तरह की मीटिंग के द्वारा हो, या हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये डिमांड कर रही है कि उनका लेजिटिमेट पैसा उनको दिया जाए, जिससे कि कोरोना काल में हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो प्राइमरी शिक्षा वाले लोग हैं, चाहे स्कूल में पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको हम तनख्वाह दे सकें। ओम प्रकाश जी, एक समय था कर्मचारी वेतन के लिए बैठे थे सड़क पर, आज आप उनके सपोर्ट में उतर आए हैं, 13,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी है उनके अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हफ्ता होने को है, 6 दिन हो चुके हैं, हमारे निगम पार्षद वहाँ बैठे हैं, सर्दी झेल रहे हैं, बरसात झेल रहे हैं, किसानों से मिलने तो केजरीवाल जी जा रहे हैं, लंगर सेवा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं, क्या कहेंगे सर? हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है, भूखे भजन न होए गोपाला ये ले अपनी कंठी माला जी। तो कोरोना काल में जो सफाई कर्मचारी और प्राइमरी हेल्थ वर्कर अपने आप को खतरे में डालकर दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं जी। उनके बच्चों की राशन, पढ़ाई, उनके घर के खर्चे के लिए पैसा तो चाहिए जी। और वो पैसा जो दिल्ली सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका एक वाजिब हिस्सा वो उनका बनता है, जो वो दे नहीं रहे हैं, तो हम इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। और हमारे साथ सभी जितने भी कर्मचारी भाई कॉरपोरेशन के हैं वो और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।